Hello friends, I hope everybody's having an amazing day. Today I reached King Salman Park. It's around 50 kilometers from Riyadh. Actually, it's a Banban area and you can do two kind of activities here, barbecue and walk, okay? And also, it's around 3 million square meter area. So let's go and explore. There are places you can do barbecue. Actually, if you see this round circle, actually this place is the area where you can do the barbecue stuff. And you can see there are a lot of spaces where you can sit. This is the area where people do barbecue. Found the structure, it looks very beautiful to me. Oh, actually this place I think also it looks like a barbecue area. Oh my god, what we have here? It's something like a castle. Something like a palace they are trying to create here. It looks like this place is under construction. Actually, it's something like a rest area they are building here. So maybe after like 1 year or 6 months, it's gonna be a very best Oh, they are constructing this area. Oh, they are giving a traditional touch. ये सारा एरिया जो है ना इसमें जो इस तरह बनेगा. अच्छा. वो इधर टूर लगा के ना इधर रेस्ट करेगा. रेस्ट हाउस. अच्छा, इसमें क्या होगा? रेस्टोरेंट्स वगैरह होंगे. हाँ. इस तरह है टाइप बनेगा ये. हाँ. अच्छा अच्छा, वेरी गुड. ये तो इंटरेस्टिंग जगह बन रही है. बहुत मुश्किल काम है.
बताएं चला बताएं बताएं। काम बहुत मुश्किल है। अरे वाह यार वाकई है। काम बहुत सख्त है। ये मुश्किल काम है बहुत। तो ये कर क्या रहे हो? इधर इंटरलॉक लगाते हैं। अच्छा इंटरलॉक ये जो कर रहे हो ये क्या होता है? ये करके दिखाओ फिर जरा। ये है ना ये अकेलापन ऊपर से परदेसी है ना। अच्छा मुश्किल है बहुत। तो ये इंटरलॉक बन रहा है। हाँ इधर इंटरलॉक लगाएगा पार्किंग बनाएगा। अच्छा अच्छा ये पार्किंग का एरिया है। हाँ ये कितनी देर तक बन जाएगी? ये इंशाल्लाह बस एक महीना लगेगा। एक महीने तक रेडी हो जाएगी? अरे वाह जबरदस्त है यार पूरा। एक महीने तक मैं दोबारा हूँ तो ये बना होगा? जबरदस्त जबरदस्त। चलो जी थम्स अप। चलो जी आप भाई चलो। This place is very interesting for the barbecue and there's a lot of places you can walk and you can enjoy. If you have a bicycle you can enjoy here. It's a very good place. So let's go explore. Really found some area which is very well defined and designed for the rest area. For the rest area and also you can do the barbecue stuff. It really looks beautiful. The architecture is very lovely. वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक है। क्या चल रहा है यहाँ पे? कितना डर है आप लोगों को कोरोना का? कोरोना का बहुत ज़्यादा है डर। वाकई ज़्यादा है? वैसे लोग आए हुए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो औरत लोगों के लिए अमेजिंग लाइटिंग बहुत अच्छी है। ये बताए इसके बारे में बताए जरा। नहीं बताए। नहीं नहीं ये कब बना है? ये तो ये अभी 2-3-4 महीने हो गए। अच्छा और इसका रेंट क्या है? रेंट वाला पता नहीं इसको मालूम होगा। कम ही जा रहा था। ये इस तरह ये क्या बनाया हुआ है? अच्छा ये इस तरह है? ये देखो। अरे बहुत जबरदस्त है यार बड़ा। ये टीवी सब कुछ है। अच्छा ये इस तरह बना हुआ है एक्चुअली? जबरदस्त है जबरदस्त। और ये बाहर बैठने के लिए जगह है। अच्छा और ये अच्छा और ये सिटिंग के लिए है। और इधर भी बैठ सकते हैं आदमी। ये पूरा सोफे ऊपर लगा हुआ है। अच्छा अच्छा जो है। हाँ अच्छा। और ये जो बार शवाया हुआ है बनाता है ना। अच्छा जो बारबेक्यू वगैरह के लिए है। ये जो अंदर अच्छा बर्मिल अच्छा, में जो खाना बनाता है अच्छा, जमीन के अंदर। अच्छा अच्छा अच्छा। वो बर्मिल भी लगा हुआ है। हमाम है वो भी। हमाम है जबरदस्त है बहुत अच्छा है। If you are a fan of long drives, so this place is almost like 50 kilometers from Riyadh, and there are plenty of options to do barbecue, and there are plenty of kids areas. So stay connected with me, and don't forget to subscribe my channel.